क्या दिल्ली में आप भी अपने सपनों का घर ढूंढ रहे हैं जो द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास आपको मिल जाए और साथ में जहां पे आपका फ्लैट हो उसके आसपास स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल मेट्रो स्टेशन सब आपको मिले और जो आप घर खरीदें उसमें लिफ्ट भी हो, कार पार्किंग भी हो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो और सबसे अच्छी बात आप उस पे होम लोन भी ले सकें। चलिए लेआउट समझ लेते हैं कहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है। यहाँ से आप अपने घर में एंट्री लेंगे, जैसे ही आप घर में एंट्री लेते हैं तो इस तरफ आपको एक अच्छा सा ड्राइंग रूम मिल जाता है, इसमें डाइनिंग टेबल भी आप लगा सकते हैं। यहाँ आपको फर्स्ट बेडरूम मिलता है। जब आप आगे चलते हैं तो किचन आपको एकदम सेपरेट मिलता है ड्राइंग रूम से, यहाँ आपको मॉड्यूलर किचन मिलता है। ये सेकेंड बेडरूम है, इसके साथ बालकनी है और ये थर्ड बेडरूम है, इसके साथ भी आपको बालकनी मिलती है और यहाँ पे आपको मिल जाता है कॉमन वॉशरूम। एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, घर सही मिलेगा ही। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पे, घर सही मिलेगा यहीं। कुछ भी देखने से पहले मैं आपको लिए चलता हूं और दिखाता हूं इस फ्लैट के साथ जो आपको बड़ी सी पार्किंग मिलती है, वो इस तरह का पूरा पार्किंग जहां पे आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। बाहर से बिल्डिंग कैसी दिखेगी, इस तरह का पूरा आपको बिल्डिंग दिखने वाला है और घर के सामने रोड कैसी मिल रही है, इस तरह की आपको रोड मिल जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डिटेल में। 3 BHK का फ्लैट है, 90 गज आपको इसका यूजेबल एरिया मिल जाता है, 810 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है। यहाँ से आप लोग ने इंट्रोडक्शन में देखा है कि पूरा लेआउट मैंने दिखाया है, एंट्री यहाँ से ली थी। ये पूरा आपको ड्राइंग रूम मिलता है, थोड़ा पीछे जाके दिखाइए राहुल, इस तरह का बड़ा सा स्पेसियस ड्राइंग रूम। सोफा पर बैठने की जगह तो मिलती ही है और साथ में इस तरफ जो जगह मिलता है, आप चाहें तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी रख सकते हैं। देखिए इस तरह का सोफा हम लोग ने यहाँ पे लगाया है, कॉफ़ी टेबल है बीच में और दीवार इस तरह का जो एल टाइप अपने को मिल रहा था उसमें हम लोग ने सीनरी लगाई है, कांच का काम किया गया है। साथ में इस तरफ कुशनिंग है, रोज गोल्ड स्ट्रिप्स लगाई गई है, प्रोफाइल यूज़ किया गया है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है आपके इस ड्राइंग रूम को। जब आगे चलेंगे आप इसको कह सकते हैं स्टोरेज की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जो एक अच्छे हाइट का चेयर आता है वो लगा के बैठा जा सकता है। ऊपर ये सारे स्टोरेज आपको मिल रहे हैं। यहाँ एक अच्छा सा एक कम स्पेस में हम लोग ने मंदिर भी निकाला है और जो पूजन सामग्री होगी उसके लिए नीचे देखिए ये सारे स्पेस आपको मिल रहे हैं, वहाँ पे आप रख सकते हैं। चूंकि जगह मिल रहा था तो हम लोग ने यहाँ स्टोर बना दिया है। देखिए इस तरह का ये सारे स्पेसेस आपको मिल जाते हैं, बढ़िया सा लोअर्स यहाँ यूज़ किया गया है, प्रोफाइल लाइट यूज़ की गई है, ऊपर भी बड़े सारे आपको कैबिनेट्स मिल रहे हैं और चूँकि सीलिंग से आपके ड्राइंग रूम की जो खूबसूरती है वो बढ़ जाती है तो सीलिंग आपको इस तरह से मिलता है। 2 फैन है इसमें, फैंसी लाइट्स लगाई गई है जो आपके ड्राइंग रूम को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। हम जानते हैं आपका ड्राइंग रूम अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त यहीं पे आएंगे और मैक्सिमम टाइम आप लोग यहीं स्पेंड करेंगे। इस तरह बैठे हैं टीवी देखने का मन हो तो यहाँ हम लोग आपके लिए बड़ा सा इस तरह का देखिए टीवी पैनल दे रहे हैं जिसमें नीचे 2 कैबिनेट आपको मिल जाते हैं, यहाँ आपका टीवी आ जाएगा। ऊपर वॉल पे लोअर्स का काम किया गया है, प्रोफाइल लाइट यूज़ की गई है और ये बड़े सारे स्लॉट्स बनाए गए हैं। आप कुछ चाहें तो यहाँ डेकोरेटिव आइटम भी रख सकते हैं, कुछ शो पीस रख सकते हैं, आपके ड्राइंग रूम की खूबसूरती बढ़ जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की। हालांकि हम लोग इसे सैम्पल फ्लैट बना रहे हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अभी इस पर मैट्रेस नहीं डाला है हम लोग ने। किंग साइज का बेड लगा दिया गया है। बैक वॉल में देखिए इस तरह का ये पूरा डिज़ाइनर आपको काम करके हम लोग दे रहे हैं। ये बाहर से हम लोग ने इसको पेस्ट करवाया है और यहाँ भी लोअर्स यूज किए गए हैं चारों तरफ से। अगेन इस तरह का ये पूरा एक POP का काम करके हम लोग ने डिजाइनर लुक देने की कोशिश की है। आप चाहें तो बड़ी सी अच्छी सी प्यारी सी फैमिली की फोटो यहाँ पे आप लगा सकते हैं और अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, टीवी देखने का मन होगा तो अगेन आपको एक टीवी पैनल यहाँ भी मिल जाता है जिसके नीचे 2 आपको स्टोरेज भी मिलते हैं। साथ में इस तरफ आइए राहुल, वार्डरोब दिखाइए। यहाँ हम लोग ने वार्डरोब दिया है, स्लाइडिंग इसमें डोर यूज किए गए हैं, इस तरह से दोनों तरफ से आपको जगह मिल जाता है। फुल लेंथ में यहाँ हम लोग ने वार्डरोब बनाया है। AC की वायरिंग ऑलरेडी हम दीवार के अंदर करके दे रहे हैं और इसी के साथ आपको एक अटैच वॉशरूम मिलता है। इस तरह से ये पूरा आपको वॉशरूम मिल रहा है।
जितनी भी सैनिटरी फिटिंग है वो हम लोग करके दे रहे हैं। इस तरफ आइए राहुल, अंदर वॉल माउंटेड यहाँ पे हम लोग ने सीट लगाया है, गीजर के पॉइंट्स दिए गए हैं, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको विंडो मिल जाती है, बाथिंग एरिया आपको यहाँ मिलता है और हैंड वॉश करने के लिए वैनिटी दी गई है। अच्छा खासा इसमें आपको स्टोरेज मिल जाता है, ऊपर शावर भी लगाए गए हैं। अब चलते हैं और हम लोग देख लेते हैं कुकिंग का फेवरेट प्लेस किचन। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दिल्ली में अगर आप घर लेना चाहते हैं, चाहे वो 1 BHK हो, 2 BHK हो, 3 BHK हो, 4 BHK हो, कॉर्नर का फ्लैट हो, एल टाइप का हो, जर्से मकान हो, वो आपको एम सानवी रियल एस्टेट के पास मिल जाएगा और वो भी सस्ते प्राइस में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लोन के साथ। किचन में खड़े हैं, आपने पूरा स्पेस देखा, इस तरह का पूरा आपको स्पेस मिलता है। बात करेंगे सबसे पहले फ्रिज कहाँ रखेंगे। देखिए फ्रिज के लिए यहाँ अच्छा खासा आपको एक स्पेस मिलता है। ये काउंटर दिए गए हैं जो स्क्रैचलेस होता है, कटिंग चॉपिंग करने के बाद भी यहाँ पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे। ऊपर ये सारे कैबिनेट्स आपको मिल रहे हैं, यहाँ देखिए इस तरह के कैबिनेट्स मिलते हैं, यहाँ भी कैबिनेट्स आपको मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक चिमनी हम लोग ने लगाया है, कुछ जब आप खाना बना रहे हैं धुआं निकलता है तो इसे सोक कर लेता है और यहाँ भी आपको स्लॉट्स मिल जाते हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडो भी यहाँ मिलती है जो साफ्ट में दी गई है। इस तरफ आपको सिंक मिलता है, सिंक के ठीक ऊपर यहाँ आरओ या गीजर के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं। स्टोरेज यहाँ भी हम लोग ने निकाल दिया है। तो ये सारे आपने ऊपर देखा जहाँ पे आप अपना किचन का सामान रख सकते हैं और नीचे देखिए ये सारे कैबिनेट्स आपको मिल रहे हैं। कटलरी वेयर के लिए जो स्मॉल यूटेंसिल्स होते हैं उसके लिए अलग कैबिनेट्स हैं, प्लेट के लिए अलग कैबिनेट्स हैं, यहाँ भी आपको स्पेस मिल रहा है। देखिए ये सारे स्पेस आपको यहाँ मिल जाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कितनी बार हमारे किचन में बड़े कंटेनर होते हैं उसके लिए हम लोग जगह बना के देते हैं कि आपको किचन में जगह की कमी बिल्कुल ना खले। तो इस तरह का पूरा किचन आपने देखा। हाफ वॉल हम लोग ने टाइल्स यूज किया है, जनरली हाथ में कुछ लगा होता है तो हम दीवार को टच करते हैं, गंदा हो जाता है तो लंबा चले, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे टाइल्स भी लगा दिया है। अब जब इससे आगे हम चलेंगे तो यहाँ देखिए बड़ा सा आपको वॉशरूम मिल जाता है यहाँ पे, जिसमें सीट लगी हुई है, वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको मिलता है, शावर के लिए आपको स्पेस मिल जाता है और साथ में जो वॉश बेसिन है वो भी हम लोग ने दिया है। गीजर के पॉइंट्स भी आपको मिल जाते हैं। एक बार फिर से आप दिखाइए इस तरह का बड़ा सा स्पेसियस वॉशरूम। इसमें स्पेस भी निकाला गया है, येलो कलर का जो आप देख रहे हैं वहाँ पे जगह निकाला गया है ताकि आप बाथरूम से रिलेटेड स्टफ रख सकें। अब आ जाते हैं अपने सेकेंड बेडरूम में। देखिए इस तरह का बेडरूम, बेड किंग साइज का है यहाँ पे, बैक वॉल में कुछ नहीं और रोज गोल्ड स्ट्रिप्स का काम किया गया है, यहाँ लोअर्स यूज किए गए हैं और दूसरी तरफ जो दीवार मिलती है उसे प्रोफाइल लाइट के साथ एक हम लोग ने डिजाइन बना दिया है POP का। ऊपर फॉल सीलिंग की डिजाइन आपको इस तरह से मिल जाती है। वेंटिलेशन के लिए बड़ी सी विंडो मिलती है, ऊपर आप विंडो लगा सकते हैं, माफ करिएगा ऊपर आप विंडो AC लगा सकते हैं। और इसी के साथ आपको इस तरफ मिलता है थर्ड बेडरूम, बेल्कनी है जो दोनों बेडरूम से आपको मिल रही है। अब हम यहाँ आ चुके हैं अपने थर्ड बेडरूम में। बेड अगेन देखिए मूवमेंट के लिए जगह मिल रहा है, बैक वॉल ये डिज़ाइन हम लोग ने लिया है, ये डिज़ाइन POP का किया गया है और बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन आप देख रहे होंगे, बाहर की तरफ उभरा हुआ दिख रहा होगा। प्रोफाइल लाइट भी हम लोग ने यहाँ दिया है और ऊपर सीलिंग भी बनाई गई है। और इसमें भी जो एक दीवार हमें मिल रहा था उसमें इस तरह का ये पूरा डिज़ाइन आपको मिलता है, चार डिज़ाइंस बनाए गए हैं अलग अलग कलर में। अब बात कर लेते हैं इसमें वेंटिलेशन की। देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, प्रॉपर आपको धूप मिल रही है, सर्दी में अगर बेडरूम के अंदर तक धूप आए वो भी दिल्ली जैसे शहर में तो उसकी बात ही क्या है। यहाँ अगेन आपको विंडो मिल रहा है, ऊपर आप अपना विंडो AC लगा सकते हैं और जो वार्डरोब है अगेन स्लाइडिंग डोर के साथ ये पूरा वार्डरोब आपको यहाँ मिल जाता है। मैं इसे भी ओपन करके दिखाता हूँ, देखिए इस तरफ भी स्पेस मिल रहा है आपको और यहाँ भी स्पेस मिल जाता है। इसके नीचे एक ड्रॉर्स भी हम लोग ने बनाया है, ऊपर भी स्पेस मिलता है, ऊपर भी आप कुछ रख सकते हैं। सर अगर आप शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एक मिनट में हम चाहते हैं आपको वहाँ पे पूरा ओवरव्यू दे सकें अपने फ्लैट्स का। जो फर्स्ट बेडरूम हमने देखा था इसकी सीलिंग दिखानी रह गई थी, यहाँ पे इस तरह से इस बेडरूम में भी सीलिंग की आपको डिज़ाइन मिल जाती है। फ्लैट कैसा आपको लग रहा है, जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है जिसपे लोन ले सकते हैं, मेट्रो स्टेशन के पास है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, साथ में यहाँ पे लिफ्ट भी है और कार पार्किंग भी है।
तो सर एंड मैम दीजिए मुझे इजाजत, हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और सर आप चाहते हैं कि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं रिगार्डिंग रजिस्ट्री लोन, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना दूँ। चलिए मिलते हैं अपने एक नए फ्लैट में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।